हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाना डायरीज। आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद, मथुरा के पेड़े, जो हम मथुरा जाकर ही खा सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही इजी, बहुत ही कम समय में बनने वाले, जिन्हें आप मन चाहे जब बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आइए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक चम्मच घी पैन में डाल दिया है। घी जब मेल्ट हो जाए उसके बाद हमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। लगभग 2 कप मिल्क पाउडर डालूंगी। 1 कप मैंने ले लिया है और ये 2 कप। अब हम इसे धीरे धीरे मिक्स करते हुए भूनते जाएंगे। ध्यान रहे, हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल भी गैस के फ्लेम को हाई नहीं करना है, वरना मिल्क पाउडर तले के लग जाएगा और सारा टेक्सचर खराब हो जाएगा। इसको बनने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें बिल्कुल भी इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना है। कंटिन्यू इसको लो फ्लेम पर हमें चारों तरफ से हिलाते हुए बनाना है। देखिए, पहले बार का जब घी सारा एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। इसी तरीके से हमें लगभग 4 चम्मच घी का यूज करना है और हमारे मथुरा के पेड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। उसी तरीके से हमें लो फ्लेम पर कंटिन्यू इसको सभी तरफ से हिलाते रहना है। लीजिए, थोड़ा और भुन गया है। अब हम 1 चम्मच घी और डाल देते हैं और इसे वापस से मिक्स करते हुए सभी तरफ से हिलाते हुए और थोड़ा हमें स्पैचुला को हल्का सा प्रेस करते हुए इसको सेकना है, जैसे कि इसमें जो भी हल्के फुल्के से लम्स हों वो अपने आप से टूटते जाएँ। देखिए, इस तरीके से सारे लम्स को हमें कंटिन्यू ऐसे तोड़ते हुए हिलाते रहना है। देखिए, आपको दिख रहा होगा हल्का सा मिल्क पाउडर किसी जगह से ब्राउन होने लगा है। देखिए इस तरीके से। अब हम कंटिन्यू इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हिलाएंगे ताकि इसके कलर में चेंज आए, तो एक जैसा आए। ऐसा नहीं कि कहीं से ब्राउन हो जाए, कहीं से वाइट। देखिए, काफ़ी ब्राउन हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच घी और डाल देंगे और ये सबसे लास्ट टाइम था, अब हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। बस अभी इसे डालते हुए हमें इसको लाइट ब्राउन तक होने तक भून लेना है। मथुरा के पेड़े का कलर ब्राउन होता है, लेकिन हमें इन्हें बहुत ही लाइट ब्राउन होने तक सेकना है। देखिए, इतना इसको हमें भून लेना है इस कलर के आने तक, क्योंकि जैसे ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो आपको इसी स्टेज पर इसमें दूध ऐड कर देना है। 2 कप मिल्क पाउडर के लिए हमें 1 कप दूध की ज़रूरत है। 1 कप दूध को हम थोड़ा थोड़ा कर ऐड करेंगे। देखिए, मैंने थोड़ा दूध डाल दिया है। अब हम इसे पहले मिक्स कर लेते हैं, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा दूध और ऐड कर देते हैं। अभी इसमें से हम थोड़ा दूध फिर भी बचा लेंगे, उसको नेक्स्ट टाइम में डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए, आपको अभी कलर बिल्कुल लाइट लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं सारा दूध ऐड कर दूंगी और 1-2 मिनट तक हम जैसे ही इन्हें सेकेंगे तो देखिएगा इसका कलर एकदम से चेंज हो जाएगा और काफ़ी डार्क हो जाएगा। लीजिए, जो दूध हमने बचा के रखा था उसे भी हम ऐड कर देते हैं। सारा दूध अब हमने ऐड कर दिया है, सारा मिल्क पाउडर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए, ये बिल्कुल मावे की फॉर्म में आ गया है। इस पे चूल्हा को थोड़ा हमें प्रेस करते हुए उसको अच्छे से मिक्स करना है। और आपको देखने से लग रहा होगा कलर में चेंज आ गया है दूध के मिलने से। दूध अच्छे से मिक्स हो जाए और सारा मावा एक जैसा हो जाए उसके बाद 1 मिनट तक हम इसे और चलाएंगे और गैस बंद कर देंगे। सारा काम हमें लो फ्लेम पर ही करना है, गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है। और आप देखिए, मावे का कलर एकदम परफेक्ट हो गया है। मथुरा के पेड़े के लिए जो टेक्सचर और कलर होता है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम गैस बंद करके मावे को ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही हमें इसमें बूरा ऐड करना है। लीजिए, मैंने सारा मावा प्लेट में खाली कर लिया है। अब इसे अच्छे से फैला देते हैं ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। जब भी आप किसी भी तरह का पेड़ा या लड्डू बनाएं और उसमें
बूरा ऐड करना हो तो हमेशा मिश्रण को पूरा ठंडा होने के बाद ही बूरा ऐड करें, क्योंकि गर्म गर्म में बूरा पानी छोड़ देता है और सारा मिश्रण गीला हो जाता है। 10 मिनट हो गए हैं, मावा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसमें हम बूरा ऐड करेंगे। 2 कप मिल्क पाउडर के लिए मैंने 3/4 कप बूरा लिया है। मीठा आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, इसलिए मैंने बूरा कम ही ऐड किया है। इसी के साथ हम इसमें लगभग आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और मथुरा के पेड़े का टेस्ट लाने के लिए इसमें हम जायफल ऐड करेंगे। ये नटमेग होता है, इसका पाउडर भी मार्केट में मिलता है और ये सुपारी की तरह के शेप में होता है। इसे हम ग्रेटर से हल्का सा ग्रेट कर देंगे, ये बहुत आसानी से ग्रेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अब हम सारे मिश्रण को दोनों हाथों से मिला लेते हैं, क्योंकि मावा अच्छे से ठंडा हो गया है तो हल्का सा उसमें दाना बन गया है, इसलिए मैं इसको बूरे के साथ दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ हल्के हल्के हाथों से। लीजिए सारा मिश्रण एक सार हो गया है और देखिए कलर कितना प्यारा आया है इसका। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। एक साइज के पेड़े बनाने के लिए मैंने ये टेबल स्पून का मेजरमेंट ले लिया है। इसको घर का हम मिश्रण लेंगे और हाथों से पेड़े का शेप दे देंगे। आप इसे गोल गोल लड्डू की तरह भी बना सकते हैं, ये इतने सॉफ्ट हैं कि जब हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो इनका शेप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लीजिए तैयार है हमारा मथुरा का पेड़ा। इसी मेजरमेंट से सारे पेड़े मैंने बना के रख लिए, देखिए। और इन सभी को मैं बूरे की प्लेट में डालकर इस तरीके से ही हिला दूंगी, जिससे कि सभी के ऊपर बूरा अच्छे से लिपट जाएगा, देखिए इस तरीके से। और लीजिए तैयार हो गए हैं मथुरा के पेड़े, जिन्हें आप कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इतने कम इंग्रेडिएंट से और इतने कम टाइम में एकदम हलवाई स्टाइल मार्केट से पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। और देखिए 2 कप मिल्क पाउडर से लगभग 20 से 21 पेड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। और पेड़ों को आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं, जो भी आप खाना चाहें उस तरीके से आप शेप में बना सकते हैं। लीजिए पेड़े एकदम तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि पेड़े कितने अच्छे बने हैं, और एक पेड़ा मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी। एकदम सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाले पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है पेड़े का अंदर से, और ये इतना सॉफ्ट है। जब आप इसे घर पर बनाएंगे और बनाने के बाद जब इसे टेस्ट करेंगे तो आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि इतने अच्छे पेड़े आपने घर पर बना लिए हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल हैं। यकीन मानिए ये इतने स्वादिष्ट बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।